पर अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, रामदास आठवले समेत बीजेपी के साथ साथ पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने राहुल पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? हिंसा करते हैं, हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अभी अभी अमेठी में इन्होंने हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं को गाली। सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी, वो भी हिंदू थी। यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी, वो भी हिंदू थे। सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है, और राहुल गांधी भी हिंदू है, तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या? और नेताओं की बात तो आपने सुन ली, लेकिन सिर्फ नेता ही नहीं, राहुल गांधी को उन्होंने ही खरी खरी नहीं सुनाई, बल्कि वाराणसी में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनका पुतला जलाकर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की वाराणसी के लोगों ने मांग तक उठा दी। तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं वहां वाराणसी के लोग। आपको बता दें, काशी जैसा आपको मालूम है प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, और वहाँ के लोगों में खासा गुस्सा है, रोष है। वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर न सिर्फ नेता बल्कि अब तो लोग भी जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर हिंदू संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। क्या कहा है उन्होंने, जरा उनकी बात भी आपको सुनिए। 99 सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है, इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में, और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, ना टिकने वाला। मैं अडिग हूँ, मैं कभी डिगने वाला नहीं, मैं अडिग हूँ। और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है अभी भी जग जाओ, समय है अभी भी सचेत हो जाओ, समय है अभी भी सजग हो जाओ, समय है अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। और ये जो इतना सियासी बखेड़ा हुआ, बावजूद इसके राहुल गांधी अपने बयान पर कायम दिखे। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने साफ लिखा कि जो हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये ट्वीट किया राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में सरकार की सेना के लिए अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो पंजाब के अग्निवीर के परिवार से मिले और अग्निवीरों की शहादत पर उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद, कोई हेल्प नहीं मिलती है, यह भी साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी पंजाब के एक परिवार से मिले, उन्होंने कहा, और वहां अग्निवीर का वो परिवार था, और किसी तरह की कोई हेल्प सरकार की तरफ से नहीं मिली, ये बात उन्होंने साफ साफ संसद में कह दी। अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती है, और परिवार पंजाब का एक था जिससे मैं बाकायदा जाकर मिला, और वहां जाकर मुझे ये मालूम पड़ा कि किसी तरह की कोई हेल्प, कोई मदद सरकार की तरफ से अग्निवीर के परिवार को नहीं दी गई है, ये उन्होंने दावा कर दिया। और इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जोरदार पलटवार किया, दावा किया कि शहीद होने पर अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर।
सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। और इस बीच सेना में शहीद हुए पहले अग्निवीर अक्षय गावते के परिवार ने राहुल गांधी के बयान को झुठला दिया और दावा किया कि उन्हें सरकार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हेल्प मिल चुकी है। यह दावा किया, अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को गलत बताया। अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सेना में शहीद हुए पहले अग्निवीर अक्षय गावते के परिवार ने भी राहुल गांधी के दावे को झुठलाया। अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले। अक्षय गावते के पिता ने दावा किया कि उन्हें सरकार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है। राहुल गांधी ने सरकार पर अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की जमीन छीनने, उनके मकान तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। और राहुल गांधी के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आड़े हाथों लिया, कहा कि राहुल का बयान उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की एक साजिश है। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया? कई सचनी की इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा सोमवार सुबह शुरू हुई जो रात तक जारी रही। सूत्रों ने बताया कि चर्चा मंगलवार शाम को समाप्त होने की संभावना है और इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवाबी भाषण के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से जो सोमवार को सदन में सवाल उठाए गए थे और जो आरोप लगाए गए थे उनका भी जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे के आसपास जवाब देने वाले हैं और निगाह रहेगी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए और जो कुछ उन्होंने कहा उसका क्या जवाब देते हैं, इस पर पूरे देश की निगाह रहेगी। तो आज का दिन बेहद अहम संसद में क्योंकि प्रधानमंत्री का जवाब होगा शाम 5 बजे। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा सोमवार सुबह शुरू हुई जो रात जारी रही। सूत्रों ने बताया कि चर्चा मंगलवार शाम को समाप्त होने की संभावना है जिसके बाद पीएम मोदी जवाब देंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। पीएम मोदी अपने जवाबी भाषण के समय सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से सोमवार को सदन में उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए थे जिसका पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा विरोध किया और राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग की। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद बुलाई गई संसद का पहला सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र के दौरान आज पहली बार एनडीए के सांसदों की बैठक होने जा रही है।
आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जेएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए सांसदों की यह बैठक होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि एनडीए सांसदों की बैठक में लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों को 2024 चुनाव के जनादेश, विपक्षी दलों के रवैये और संसद सत्र को लेकर भी अहम डायरेक्शंस, अहम निर्देश दे सकते हैं। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार के गठन के बाद बुलाया गया संसद का पहला सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र के समय आज पहली बार एनडीए के सांसदों की बैठक होने जा रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बायोलॉजी ऑडिटोरियम में एनडीए सांसदों की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि एनडीए सांसदों की बैठक में लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक के समय पीएम मोदी एनडीए सांसदों को 2024 चुनाव के जनादेश, विपक्षी दलों के रवैये और संसद सत्र को लेकर भी अहम निर्देश दे सकते हैं। उधर अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हुई। रैली में उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अभ्यर्थी शामिल हुए। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर का ग्राउंड भी तैयार किया गया। ये सभी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने आए। रैली में हिस्सा लेने पहुंचे सभी अभ्यर्थियों को कई पड़ावों से गुजरना पड़ा, जिनमें पहले पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर शारीरिक माप परीक्षण हुआ। इसमें कई अभ्यर्थियों ने सफलता भी पाई, जिन्हें चयनित भी कर लिया गया। चुने गए कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए उन्हें भेजा जाएगा। तो अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तमाम तरह के उन्होंने जो हर्डल्स हैं उनको क्लियर किया और ये जो युवा हैं इनका जोश बहुत ही हाई था। देशभक्ति से भरे थे अग्निवीर और अग्निवीर बनने के कई पड़ावों को इन्होंने पार किया और जो सफल होंगे उनका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए इन्हें भेजा जाएगा।